how to fix iPhone display problem after latest updates iOS 17. जी हाँ, अगर आपने अपने iPhone को iOS 17 में अपडेट किया हुआ है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका यहाँ पर डिस्प्ले जो है या तो यहाँ पर फ्रीज हो जाता है और या तो यहाँ पर कहीं वर्क नहीं करता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज इन सारे प्रॉब्लम से कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इससे निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। जी, आपको मैं आपको जो जो टिप्स बताऊंगा, अगर इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आप इनसे जो है सोल्यूशन पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है कि आपको अपने जो है सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो आपको सबसे पहले जनरल में जाना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे तरफ स्क्रॉल करना है और आपको अपने फ़ोन को यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको पावर ऑफ कर देना है। जब आप पावर ऑफ कर देते हैं, फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको यह प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर तरफ जाना है और ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर तरफ इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट फिर से तो नहीं आया है। अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट फिर से आया हुआ है तो आपको अपडेट कर लेना है। जी हाँ, अपडेट कर लेना है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और अगर लेटेस्ट अपडेट करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है दो और ऐसी सेटिंग्स को जिससे आपको सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। ये सारी सेटिंग्स जो है सेटिंग्स के अंदर मिलेंगी। फिर आपको यहाँ पर चेक करना है, एसेसबिलिटी में जाना है, इस तरह से एसेसबिलिटी में जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है मोशन का। अब मोशन से क्या, अगर आपको यहाँ पर रिड्यूस मोशन ऑन होगा, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑफ कर देना है। देख सकते हैं मेरे में ऑफ था, तो आपको भी ऑफ कर देना है। आपके जो भी मोशंस होंगे वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसको आपको सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर देना है मोशंस के। और उसके बाद अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको यूज और करना है, और वो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में ब्राइटनेस में, अगर आपका यहाँ पर ट्रू टोन्स ऑन होगा तो इसको यहाँ पर ऑफ होगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा, आपका ऑटो ब्राइटनेस यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से आपने डिस्प्ले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।